नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकादशी का व्रत आपको किस दिन से शुरू करना है, एकादशी के व्रत को शुरू करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है, एकादशी व्रत के क्या नियम है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या पूजा पाठ की विधि है और क्या खाएं और कब खाना खाया जाता है, व्रत का पारण कब किया जाए, कई सारी बातें एकादशी का व्रत। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं, अगर वो शुरू करने वाले हैं तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखें। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत के बारे में, एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ बताया गया है। इस व्रत को करने से विष्णु जी की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी पाप रोग दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, एकादशी या ग्यारस की तिथि का व्रत कैसे किया जाता है, एकादशी व्रत की क्या विधि है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी व्रत कब से शुरू करें। एकादशी का व्रत दोस्तों दो तरीके का होता है, काम्य व्रत और जब आप नित्य व्रत करते हैं तो उसमें केवल आप भगवान की उपासना करते हैं और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद या मनोकामना नहीं मांगते हैं, इसे हम बोलते हैं नित्य व्रत। किसी भी एकादशी से आप उठा सकते हैं, इस व्रत को उठाने का कोई नियम नहीं है। अब दूसरा व्रत आता है काम्य व्रत। हमारे जीवन में दोस्तों बहुत सारे तरह के दुख तकलीफ होते हैं। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास जीवन में रोग सता रहे हैं, किसी के जीवन में दुख संपदा की कमी, कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान के शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और व्रत करते हैं। अब हम चाहते हैं हमारे जीवन की जो भी समस्याएं वह दूर हो जाएं, हमें हमारे मनोवांछित फल का व्रत मिले, हम इसे कहेंगे एकादशी व्रत। तो शुरू करने के लिए कुछ नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है, मल मास, पौष और भादों का महीना, इन तीनों महीनों में आप एकादशी का उपवास शुरू मत कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, वैसे तो कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, पर इसमें भी दोस्तों चार महीने बहुत ही श्रेष्ठ बताए गए हैं जिनमें की आपको इस व्रत को अवश्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगन का महीना। इस महीने में दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आती है, साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी भी आती है, ऐसा कहा गया है। एकादशी माता का व्रत, जिसके महात्म की कथा मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाली हूँ। वैसे भी पूरा एकादशी का जो महत्व है वो बताने वाली हूँ दोस्तों, वो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप चाहे तो अगन के महीने से एकादशी व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस महीने में नहीं कर पाते हैं तो आप चैत्र के महीने, वैशाख के महीने या माघ के महीने से एकादशी व्रत करना शुरू कर दे तो यह महा पुण्यदायी फलदायी होता है, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको दो बातों को ध्यान जरूर रखना है। जब भी आप व्रत को शुरू करें, पहली बार गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। शुक्र हमारे जीवन में धन वैभव लेकर आता है, गुरु हमारे जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या योजनाएं बनानी चाहिए, सबको गमन करता है। तो ये दो ग्रह है, इन दोनों को उदय होना चाहिए। अब आप पूछेंगे आपको कैसे पता पड़ेगा। दोस्तों, कैलेंडर में आप देखेंगे जब भी आपके पास कोई भी पंचांग है, खास तौर पर वो पंचांग की बात कर रही हूँ जिसमें तिथि दी हुई होती है, त्योहार दिए हुए रहते हैं, वहीं पर दोस्तों पंचांग में ऊपर की तरफ छोटा सा ब्लॉक होता है जहाँ ग्रह स्थिति दी होती है। ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, तारा, जो भी ग्रह है उन सबके क्या प्लैनेट में पोजिशन है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, गुरु, सभी को उसमें लिखा रहता है। गुरु और शुक्र तारा कब से कब तक उदय रहेगा, कब से कब तक अस्त रहेगा, गुरु और शुक्र तारे की क्या पोजीशन है। दोस्तों, जब आप कैलेंडर चेक कर ले या कोई और वीडियो बना दूंगे जिससे कि मैं आपको बता दूं कि आप कब कब किन डेट्स में आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। पर यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इसको चेक कर लीजिए कि इसके बाद एक और नियम आता है जिसमें कि कई जगह बताई गई है कि अगर आप ग्रह पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं तो आपको कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत ना भी करे तो चलेगा, यानी आप केवल शुक्र पक्ष की एकादशी का व्रत और उपवास करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के एकादशी में भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए, खास तौर पर गृहस्थ है जिनके जीवन में संतान सुख है उनको कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ठीक है, उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। गृहस्थ और पुत्रवान को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है, पुत्रवान से मतलब जिसकी संतान हो। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है अगर आप सन्यासी है, विधवा है या आपके जीवन में संतान नहीं है तब आपको दोस्तों दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। ये तो हुआ समय, हुआ मैंने आपको बताया किन महीनों में आपको एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों एकादशी के व्रत के हम नियमों की बात कर लेते हैं। एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसा व्रत करने से माँ पुण्यदायी करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है, जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ आप जन्म मरण
कर्म के पाप से मुक्ति पा जाते हैं ऐसा कहा गया है। इस व्रत को करने के लिए इस व्रत की शुरुआत आपको दशमी तिथि से शुरू करनी चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीन दिन का ये व्रत है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है तभी से व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप भोजन करेंगे, दशमी तिथि की शाम के भोजन के बारे में आपको बता रही हूँ, जिसमें कि आपको चावल बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे ही तारे उदय हो जाएं उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी है या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत का शुरुआत करनी है। और दोस्तों, इस दिन मूंग और शक्कर, सेंधा नमक, काले मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। रात भर आपको उपवास रखना है जिससे कि एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में बिल्कुल भी अनाज का दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है और व्रत के नियम थोड़े से कठोर है। ऐसा बताया जाता है अगर एकादशी का व्रत आप निर्जला रखते हैं तो आपको कई पुण्य का फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो आप फलाहार कर उपवास रखते हैं, यानी कि फल जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल कहा गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी आप सिंपल फलाहार है वो करिएगा। सवा का चावल, साबुदाना और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रही हूँ। यानी आप आलू वगैरह खाकर इस उपवास को करिए। जब एकादशी का व्रत हो जाए शाम के बाद अगले दिन जब आप द्वादशी पर उठते हैं भगवान का पूजन करें नहा धोकर, और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोजन भी आप करा सकते हैं। ब्राह्मण भोज आप जरूर कराएं, नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है जैसे कि हम सीता बोलते हैं वो आप ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और इसके बाद सुबह के समय एकदम दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में नहीं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो समय होता है समय पर आप व्रत का पारण कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों एकदम प्रातः काल और मध्याह्न के समय हमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। ईशा काल यानी कि 7 या 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का जो समय होता है उस समय पे आप पारण कर लीजिए। अगर आपके पास उस समय में कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इस व्रत को लेकर कुछ और खास नियम है जैसे कि मैंने आपको खाने के लिए बताया। इन 3 दिनों में आपको दोस्तों किस तरह का खाना खाना है। पहले दिन में दोस्तों आपको जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्ची का खाना खाना है। वैसे ही द्वादशी के दिन खाना है। और ऐसा कहा जाता है कि दशमी और द्वादशी के दिन अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो ये श्रेष्ठ बताया गया है। पर अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप 2 समय भी भोजन अवश्य कर सकते हैं। इस तरह आप इस दिन पर यह जो आप व्रत शुरू कर रहे हैं तब दोस्तों दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन पर आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको मांस मदिरा नहीं लेना है, प्याज लहसुन से बना हुआ खाना नहीं खाना है, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। इसमें कुछ सब्जियां हैं जिन्हें बताया गया है जैसे गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा, इन सब्जियों को आपको नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है और तेल खाना भी वर्जित है। और दोस्तों अगर आपके पास इतनी अपना सामर्थ्य नहीं है तो आप खा सकते हैं। बाकी ये सभी चीजें खाना दशमी से द्वादशी के दिन सभी 3 दिनों में ये खाना वर्जित होता है, आपको ये खाना नहीं खाना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया जब भी आप एकादशी का व्रत रखे, अगर आप नहीं भी रख रहे हैं, एकादशी के व्रत का आपको दान जरूर देना चाहिए। किसी भी योग्य ब्राह्मण को आपको हमेशा खाना खिलाना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। अब दोस्तों जैसे बात कर रहे हैं दूसरों को हमें अन्न देना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण को अन्न का दान करना चाहिए, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि इन 3 दिनों में कोशिश करें कि आप बाहर का या किसी और का नियम अनुसार अन्न ग्रहण ना करें। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के समय में अन्न में पाप का वास होता है, तो आप किसी और से अन्न ना लें। पराया अन्न लेना एकादशी के समय पर निषेध बताया गया है। तो आप किसी और से मांग कर अन्न ग्रहण ना करें, बल्कि आप अपना भक्ति भाव के साथ उपवास रखे। जब आप एकादशी के दिन सुबह उठे तो आप भगवान के सामने संकल्प ले हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु मैंने आपका एकादशी का व्रत उपवास रखा है, इसे सफल करें। बहुत ही नियमित पूजा करनी है जैसे आप करते हैं। आपके पास श्री हरि विष्णु की मूर्तियां हैं तो उनकी पूजा कर सकते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। आपके पास
जो भी सुविधा से उपलब्ध हो आप श्री हरि विष्णु के उसी रूप की पूजा एकादशी में करें। शालिग्राम है तो आप उनको अभिषेक करा दीजिए। जब आप एकादशी की पुस्तक लेकर आएंगे दोस्तों, हमेशा हर एक एकादशी के अनुरूप कुछ न कुछ भोग बताया गया है। जैसे कि उत्पन्ना एकादशी पर आपको बादाम का और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसी तरह हर एक एकादशी में हर एक भोग बताया जाता है सिंघाड़े के आटे का। जब भी आप दोस्तों एकादशी के दिन का फलाहार ग्रहण करें तो दोस्तों सबसे पहले आप उसका भोग ठाकुर जी को लगाएं, श्री हरि विष्णु को लगाएं और उसके बाद उसमें तुलसी दल लगाकर या तुलसी का पत्ता रखकर उस भोजन को ग्रहण करें। यह एक तरह की औषधि है जो आपके शरीर को ऊर्जा देती है, आपके जीवन में सफलता का भाव करती है। भक्ति भाव के साथ दोस्तों आप इस व्रत की शुरुआत करें। शाम के समय में भगवान का पूजन अर्चन करें। जो नियम मैंने आपको बताए हैं उन नियमों का पालन करें। वैसे दोस्तों कई बार यह होता है कि आपको घर में आपने एकादशी का व्रत रखा है, श्राद्ध आ गया, कोई ऐसा समय आ गया जब आपको वो खाना ग्रहण करना है। एकादशी का व्रत रखा हुआ है, आप उसे अपने दाहिने हाथ में लेके सूंघे और इसके बाद इस भोजन को आप गाय को दे दे तो यह आपका भ्रमण करा हुआ माना जाएगा। श्राद्ध पड़ रहा है जब आप इस शाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों भोजन करने के लिए अपने दैनिक दिनचर्या के लिए कुछ नियम का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब भी एकादशी का व्रत हो उस दिन पर आपको आप एक दिन पहले ही अपना रात में सोते वक्त दांत साफ कर ले, मंजन कर ले। एकादशी के व्रत के शुरू होने पर सुबह के समय आपको दंत मंजन नहीं करना है, किसी भी तरह की लकड़ी का दातुन नहीं करना है। पेड़ के पत्ते तोड़ना निषेध है, कई जगह ये बताया गया है। आप अगर जामुन के पत्ते लेकर उन्हें चबा लेते हैं तो आपका मुंह उस दिन साफ हो जाता है। इसके अलावा तेल साबुन का भी कई लोग उपयोग नहीं करते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। अपने बालों को भी इस दिन नहीं धोते हैं। एकादशी का व्रत एकदम भक्ति भाव के साथ किया जाता है दोस्तों। इस व्रत के जो भी नियम है सभी को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पर श्री हरि विष्णु की भक्ति करते हैं। आपको अपने घर में खास तौर पर अगर जो उपवास रखा हुआ है उन्हें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाते समय दोस्तों हमारे हाथ से चींटी जैसे कई छोटे कीटाणु की हत्या हो जाती है। इस दिन पर हत्या दोष से बचने के लिए झाड़ू लगाने को मना बताया गया है। पर अगर आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, केवल आप अकेले रहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ है, बहुत ही मजबूरी है, तो आप इन कामों को कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन पर आपको जो व्रत रखना है उसके लिए आपको इस दिन पर बाल नहीं धोने हैं और आपको साबुन तेल इत्यादि नहीं लगाना है। ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेना है और इसके बाद भगवान का पूजन जप करना है, तप करना है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप जो भी आपके पास स्रोत आसानी से उपलब्ध हो उनका पाठ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप एकादशी व्रत की जो किताब होती है वो जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कब कौन सी एकादशी को आपको किस चीज का दान देना है। वैसे मैं कोशिश करूंगी आपके लिए वीडियो बनाऊं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपका ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा, जिसमें कि मैंने आपको बताया पूजन किस तरह से अच्छे से करा जाए। बहुत ही आसान पूजन करें, हो सके तो आप एक हवन जरूर कर लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी आहुति दे दीजिएगा, 4-5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह का जप करते रहिएगा। आप भगवान के ध्यान में अपने आप को रमाते रहिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।